सतपाल जी, सबसे पहले तो बहुत सारे लोगों का एक ऐसा मिथ होता है कि शायद यहाँ पे ऑलरेडी इंडस्ट्री के अंदर वो लोग आते हैं जो बेले होते हैं, जिनके पास वो नहीं होता। सबसे पहले आप ये बताएं, जो आपका पैशन था इस 4 आवर में आने से पहले, आप किस लेवल पे अपना गेमिंग करते थे और किस प्रोफेशन थे आप, और इसमें कैसे है, कैसे आपको ट्रस्ट हुआ? बहुत ओके okay, सारे तो मैं पेरेंट्स सुन पा रहे हैं। छोटी सी स्टोरी के साथ मैं स्टार्ट करूंगा सर। और सबसे पहले देखो, मैं एक फार्मर फैमिली से बिलोंग करता हूँ। पापा मेरे फार्मर है, मम्मी हाउस वाइफ है, घर में एक छोटा भाई है मेरा। और जैसे जैसे फार्मर की जो लाइफ होती है ना, वो एक्चुअली हमें बचपन में ही समझ में आ जाता है हमारी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। हालात दिख जाते हैं, हम बचपन में ही जवान हो जाते हैं, राइट। तो मेरा ऐसे ही प्रोफेशन चलने लग रहा था और पिताजी काफी सपोर्ट करते। तो मेरे पिताजी खुद फुटबॉल प्लेयर थे, तो मैं बचपन से बहुत अच्छा फुटबॉल खेलता भी था। तो मैंने अपना प्रोफेशन टोटली अपना स्टडी को, मतलब स्टडी मेरे लिए बस ऐसे ही थी, बट मेरा मेन जो था ना वो स्पोर्ट्स था फुटबॉल के अंदर। और यकीन नहीं मानोगे, मैंने 0 लेवल से उठ के एक प्रोफेशनल लेवल होता है फुटबॉल के अंदर, राइट। जो आज के टाइम पे जो भी फुटबॉल प्लेयर होंगे ना, उनका एक ड्रीम होता है कि मैं उस लेवल तक पहुंचूं। और आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने 10 साल मैंने फुटबॉल प्रोफेशन में दिए, 0 से स्टार्ट किया और मैं टॉप लेवल पे पहुंचा। टॉप लेवल समझते हो? टॉप लेवल जिसके लिए मेरा ड्रीम था ना, वो मैंने अचीव कर लिया। इवन मेरे पापा का सपना था मैं बहुत बड़ा फुटबॉल प्लेयर बनूं। तो उसके बाद लॉकडाउन हुआ। लॉकडाउन में मेरे जैसे बाहर का मेरा वीजा लगना था, स्पेन का हमारा टूर्नामेंट था बाहर, और इंडिया टीम के लिए भी कैंप वगैरह में नेम आने थे। तो लॉकडाउन आया, जिंदगी बदल गई, ठीक है। लॉकडाउन आया, मेरी लाइफ में एक प्रॉब्लम का पहाड़ टूट पड़ा सर, और मैं काफी डिस्ट्रैक्ट हो गया कि मैं, क्या यार इतना अच्छा चल रहा था सब कुछ, और उसके बावजूद मेरे दूसरा जो मेरे को फेस सहना पड़ा, मेरे पापा की तबीयत खराब रहने लगी सर, क्योंकि टेंशन बहुत होती है और खर्चे इतने हो जाते हैं कि चल नहीं पाता, राइट। तो कैसे तैसे करके मैंने सोचा, मैं, क्या यार पैसा तो कमाना पड़ेगा, बिना पैसे के घर नहीं चलेगा। तो सर मैंने डिसीजन बनाया, बट मैं टेंशन में ये था कि यार मार्केट में जो ऑलरेडी जॉब पे हैं उनकी ही जॉब जा रही है, तो सतपाल तू कैसे पैसे कमाएगा इस टाइम पे, क्योंकि पुलिस बाहर निकलते ही डंडे मार रही थी, राइट। तो मेरे को सही बात है। टेंशन होने लगी, बट सर कहते हैं ना एक चीज, जो आप चाहते हो ना, कुदरत भी आपको उसको मिलवाने में लग जाती है जब आप सच्ची शिद्दत से किसी चीज को चाहते हैं। तो मेरा सपना था कि मैं घर पे बैठ के काम करूं, और मेरे को ये फॉरएवर जैसा बिजनेस मिला सर, फेसबुक के थ्रू 3-4 दिन मीटिंग लगाई। अब कहते हैं कामयाब होना है तो डाउट नहीं करते, ट्रस्ट करते हैं। अगर हमें इस बिजनेस में कामयाब होना है ना गाइस, हमें इस पे डाउट नहीं करना है, डाउट हम क्लियर करेंगे, आपने तो ट्रस्ट करना है, क्योंकि ट्रस्ट करके ही आप कामयाब हो सकते हो। तो सर मैंने ट्रस्ट किया, बट बात वहीं पे एक बिजनेस स्टार्टअप करने के लिए फैमिली में। अब देखो मेरे पापा को प्रॉब्लम थी, मेरे को पैसा भी चाहिए था, कमाना था, बट इवन मैं मेरे पेरेंट्स के लिए करना चाहता था, बट वही पेरेंट्स मेरे साथ नहीं खड़े थे, क्योंकि उनको लगता था फेक है, फ्रॉड है, XYZ। बट सर मेरा डिसीजन था इस बिजनेस को करने का, और मैंने सोचा सतपाल ये तेरा डिसीजन है, कामयाब हुआ तेरी जीत होगी, नाकामयाब हुआ फिर भी कोई बड़ी बात नहीं है, तो ऑलरेडी सक्सेस है। तो मैंने सोच के साथ बिजनेस को स्टार्ट किया, काफी प्रॉब्लम आई, और उसके बाद मैंने अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल, सुपरवाइजर लेवल, असिस्टेंट मैनेजर लेवल अचीव किया, और आज मैं नहीं, मेरी टीम में बहुत सारे लोगों को मैं आज यहाँ पे कामयाब कर चुका हूँ सर। बिल्कुल बढ़िया सतपाल। आपने पता, आज के टाइम बाहर मार्केट में पैसा कमाना, मैं अभी एक पर्सन से बात कर रहा था, उसने बोला सर मैं 10,000 रुपए कमाता हूँ। मैंने पूछा भाई आप कितने घंटे जॉब करते हो, उसने बोला सर मैं सुबह 8 बजे जाता हूँ, रात के 8 बजे आता हूँ, 12-12 घंटे भी स्ट्रगल करना पड़ रहा है। उसके कंपेरिजन में आप ऑलरेडी फैमिली के साथ भी बैठे हैं और घर बैठ के अर्निंग भी कर रहे हैं। तो जो प्रोफेशन आपने क्विट किया, जिस प्रोफेशन आप सपने से बचपन से लगे पड़े थे, और उस प्रोफेशन को क्विट करके 4 आवर से क्या मिला आपको, ऐसी क्या अच्छी चीजें लगी जिसकी वजह से आपने अपने प्रोफेशन को क्विट कर दिया और 4 आवर में आके अपना करियर बनाने की सोचा आपने? बिल्कुल सर, MS के साथ स्टार्ट करूंगा। कोई भी आज के टाइम पे ना गाइस, हमें अगर ट्रेंड के साथ चलेंगे तभी हम कामयाब हो सकते हैं। 3 चीजें बोलूंगा अगर आपको कामयाब होना है, या तो टाइम से तेज चलो या टाइम के साथ चलो, अदरवाइज तो अगर टाइम ने आपको चलाया तो आप बर्बाद हो जाओगे। समझ पा रहे हो मेरी बात? तो आज ट्रेंड किस चीज का, ट्रेंड समझो, हम शॉपिंग ऑनलाइन करते हैं, खाना ऑनलाइन खाते हैं, तो पैसा ऑनलाइन क्यों नहीं कमा सकते? इवन हर बंदे का ड्रीम होता है कि उसको वर्क फ्रॉम होम मिले, राइट। तो भाई मैं तो यही चीज बोलूंगा आपको, ट्रेंड के हिसाब चलो। आज ट्रेंड के हिसाब चलोगे पैसा कमाना बहुत आसान है, लेकिन अगर बिना ट्रेंड के हिसाब चलोगे ना, वही पहली से +2 स्कूलिंग करोगे, कॉलेज जाओगे, कोचिंग सेंटर जाओगे, कोर्स करोगे, उसके बाद भी गवर्नमेंट जॉब नहीं है, ये ओल्ड ट्रेंड हो गया। अगर आप भी इसी पे चलोगे तो आपको भी मैं बता देता हूँ, आप आसपास के लोगों से आइडिया लगा सकते हैं कि आपका भी क्या फ्यूचर होने वाला है।
मैं आपको आपके फील्ड को लेके नेगेटिव नहीं कर रहा हूँ, डोंट वरी। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आज ट्रेंड के हिसाब से आपको देखो बिजनेस में पैसा है और ऑनलाइन बिजनेस में तो बहुत पैसा है, राइट। तो ये बिजनेस आपको सिखा रहे हैं, ट्रस्ट करें अपने प्रोफेशन के साथ साथ कंटिन्यू करें। जब आपको लगे आप अपने ओल्ड प्रोफेशन से इस प्रोफेशन में डबल आगे आ चुके हो, तब आप इसको फुल टाइम का एक ऑप्शन भी रख सकते हैं। जी बिल्कुल एडजस्ट, क्यों नहीं। अच्छा लास्ट कोई मैसेज, जितने पेरेंट्स सुनने लग रहे हैं और जितने यंगस्टर्स सुन पा रहे हैं, तो उनके लिए लास्ट कोई मैसेज सतपाल जी। सर मैं मैसेज देना नहीं चाहूंगा, मैं मैसेज दिखाना चाहूंगा क्योंकि लोग देखना पसंद करते हैं। तो सर यस क्या मैं दिखाऊं सर? हाँ, ये प्रूफ दिखाएं। कई पर्सन तो ये बोलते हैं यार, कोई भी आके बोल देगा भाई ये चीजें हैं वो चीजें हैं, तो आप अपना प्रूफ ओके दिखाएं कि वाकई अपनी चीजें की भी है नहीं की है, क्योंकि प्रूफ ओके सबसे सर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या मेरी स्क्रीन पे प्रॉपर दिख पा रहा है? हाँ प्रॉपर दिख पा रहा, प्रॉपर दिख पा रहा है, आप मैं अच्छे से पढ़ पा रहा हूँ। मैं सभी को बोलूंगा स्क्रीनशॉट भी ले लेना क्योंकि हमारा काम जेन्युइन है और जेन्युइन चीजें चेक कर लेना आप जहां पे कर सकते हैं। ओके सर, ये डिस्ट्रिक्ट के सर्टिफिकेट है, बहुत सारे हैं, दिखाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। ये तो डिस्ट्रिक्ट लेवल के थे, बट मैं अभी आपको थोड़े बड़े लेवल के सर्टिफिकेट दिखाना चाहूंगा। ये स्टेट में मेरी फर्स्ट पोजीशन, और स्पोर्ट्स कोटे के अंदर अगर मैं चाहूँ ना सर, 30 से 40 हाँ हजार की नॉर्मल आज आर्मी के अंदर भी जॉब कर सकता हूँ, बट स्टेट फर्स्ट सर्टिफिकेट। ये अलग अलग है सर, बहुत ज्यादा सर्टिफिकेट्स है, मैं फटाफट दिखाऊंगा, आप स्क्रीनशॉट लेके बाद में चेक कर सकते हैं। ये देखिए जी सर, जी जी और उसके बाद ये देखिए सर। क्या बात है, अम्बाला से। हाँ बिल्कुल, हर स्टेट में सर, हरियाणा में मेरा नाम हो गया था फुटबॉल में, जी इतना अच्छा मैं खेल चुका था, और ये भी स्टेट का है, और ये सारे फर्स्ट पोजीशन के हैं सर स्टेट में, यानी कि पूरे हरियाणा में टॉप नंबर वन। इंडिविजुअल में तो खुद के दम पे कर सकता है, लेकिन ये टीम गेम में नंबर वन आना एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। ये क्या तो रोहतक कप, मुखर्जी फुटबॉल कप, ओके। और इसके बाद ये मेरा पंजाब का है सर, पंजाब फुटबॉल एसोसिएशन, ठीक है, ये पार्टिसिपेशन का है। और सर मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि भाई आप, मैं ऑलरेडी कामयाब था मेरे प्रोफेशन में, बट मैं एक कोच भी हूँ सर, मैं एक फुटबॉल कोच भी हूँ। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, अगर जी मैं बिल्कुल चाहूँ ना सर, मैं 30 से 40 हजार की नॉर्मल जॉब कर सकता हूँ, जिसमें मेरे को 1 घंटा सुबह प्रैक्टिस करवानी है, 1 घंटा शाम को, और मैं बहुत अच्छा पैसा भी कमा सकता हूँ। लेकिन ये मेरे नेशनल के हैं, सुब्रतो कप इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट दिखेगा आपको, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं गाइस। और सर्टिफिकेट ऑफ मैरिज के, मैरिज नहीं, सर्टिफिकेट ऑफ मैरिट, ओके। तो क्या बात। ये मेरे सर्टिफिकेट्स थे सर सारे, और ये मैंने चीजें क्यों दिखाई सर, मैं आपको एक रीजन बताना चाहूंगा छोटा सा। मैं बिल्कुल, ऑलरेडी सक्सेस था सर, मैं ऑलरेडी अपनी तो लाइफ आपके में क्या था, सर्टिफिकेट से पता ही लग रहा है कितने सर्टिफिकेट, आपने पूरी जिंदगी की अपनी जर्नी दिखाई इतने सर्टिफिकेट से, और लेना आसान नहीं होता, लोगों के एक एक दो दो सर्टिफिकेट मिलने के लिए ना आपने पता ही है। अच्छा एक प्रश्न पूछ रहा सर, आप कौन से क्लब से खेलते थे ये पूछ रहे ओके हैं। मैं राउंड ग्लास फुटबॉल क्लब, अगर आपने सुना हो चंडीगढ़ के अंदर, आज इसका नेम चेंज हो गया, पंजाब फुटबॉल क्लब, RGFC, राउंड ग्लास पंजाब फुटबॉल क्लब, प्रोफेशनल लेवल पे, ओके, अंडर 18 आई लीग। और ये मेरे स्कूल नेशनल के सर्टिफिकेट्स थे, और मैं एक चीज बोलूँ आपको, मेरे को नीड नहीं थी एक्चुअली इस काम की, बट मैं अपने प्रोफेशन में ऑलरेडी सक्सेसफुल था, बट उसके बाद भी मैंने फॉरएवर को क्यों ज्वाइन किया, क्वेश्चन खड़ा हो गया ना यहाँ पे। तो यार यहाँ से क्लियर कर लेना आपको फॉरएवर क्यों करनी चाहिए, जो बंदा इतने हाई लेवल पे जाके उसको क्विट करके इसको फुल टाइम करने लग रहा है ना आज, तो यहाँ से डिसीजन बनाना कि यार कुछ तो दम होगा, बंदे ने ऐसे ही तो इतनी मेहनत करके क्विट नहीं किया, राइट। तो इतना ही मैं बताना चाहता था सर, और मैं तो यही बोलूंगा जो लोग डिसीजन बनाएंगे ना, उनके साथ खड़े हैं, हमेशा साथ खड़े हैं, उनको कामयाब करने की गारंटी भी है, अगर वो एक चीज की गारंटी देते हैं, मेहनत की, क्योंकि मेहनत के बिना तो भीख भी नहीं मिलती, ये तो फिर भी बिजनेस है। और रेदर देन जॉब, ये वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन आपकी लाइफ का हो सकता है अगर आप अपने ऊपर बिलीव करते हैं, क्योंकि बाहर आप किसी और के लिए काम करोगे 10-15 हजार के लिए, उससे अच्छा आज अपने आप को ब्रांड बनाओ, अपने आप की एक वैल्यू क्रिएट करो। तो मेरी साइड से इतना ही सर, और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ जो भी डिसीजन बनाएगा ना डेफिनेटली कामयाब होगा, अगर वो मेहनत करना जानता है, क्योंकि मेहनत से पैसा नहीं आता, राइट प्लेटफॉर्म पे मेहनत करने से पैसा आता एग्जैक्ट, बिल्कुल सही है। बात है। बाहर भी लोग 40-40 साल मेहनत कर लेते हैं, बट कभी भी अपनी ड्रीम लाइफ एंजॉय नहीं कर सकते। हालांकि मैं जॉब के अंदर 40 साल मेहनत कर लेता, जो जिंदगी आज मेरी है, मैं शायद मैं 40 साल के बाद भी ये चीज डिजर्व नहीं कर सकता था जो आज मैं डिजर्व करने लग रहा हूँ। और नो डाउट आने वाले टाइम में तो बहुत कुछ बड़ा करना सतपाल जी, मिलकर बहुत बड़ा धमाल मचाते। थैंक यू सो मच बिल्कुल सर, आपने टाइम निकाला।
आप सब हमारे सीनियर्स, हमारे इंस्पिरेशन हैं जिन्होंने डिसीजन बना के हमें भी कामयाब किया। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी, और मैं यही जी बोलूंगा बनाओ डिसीजन, मिलके आगे बढ़ते हैं। ओके सर, थैंक यू सो मच। ओके जी ओके। यहाँ पे मैं आप सभी को एक चीज बोलना चाहूंगा, जैसे आपने सतपाल सर को देखा ना, आपको मैं एक ही चीज बताऊंगा, इंसान जितना बड़ा सेक्रीफाइस करता है उतनी बड़ी सक्सेस का वो हकदार भी होता है। तो डिपेंड ये करता है आप कितना सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी है, कितना छोड़ने के लिए रेडी और कितना सीखने के लिए आप रेडी है, क्योंकि सीखना सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। समझ आए? तो जितने भी पेरेंट्स आज मेरे को सुन पा रहे हैं, तो उनसे मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, अपने बच्चे को जरूर मौका दें आगे बढ़ने के लिए, टाइम के साथ साथ वो भी अपने आप को चेंज कर पाए। क्योंकि जो इंसान अपने आप को टाइम के साथ साथ चेंज कर लेता है तो वही इंसान सक्सेसफुल है, वरना आज वही इंसान अनसक्सेसफुल है जो अपने आपको टाइम के साथ साथ चेंज नहीं करता। और चेंज प्रकृति का नियम है, और बदलना पड़ेगा मेरे दोस्त आज नहीं। जैसे सतपाल सर ने बोला ना कि टाइम ने यदि आपको बदल दिया तो मुश्किल बहुत होनी है, आपको समझ भी नहीं आएगा क्या करें क्या ना करें। टाइम रहते टाइम को बदल दें, ये आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होने वाला है। करने के सेशन मेरे साथ ना बहुत सारे पेरेंट्स, बहुत सारे शख्स भी बैठे हैं, तो मेरे ख्याल से सेशन में टाइम बहुत हो चुका है अपने को, बाकी सेशन यहीं पे ओवर करते हैं। ठीक है, कैसा लगा आप सभी ने सेशन जरूर बताना, ठीक है, जहां जैसा भी लगा आप सभी ने जरूर बताना, ठीक हो गया। हाँ ओके दैट्स ग्रेट। तो जितने पेरेंट्स ने सुन पाए मेरे को, तो उनसे मैं ये रिक्वेस्ट जरूर करूंगा, अपने लड़के को अपनी लड़की को जरूर मौका दें, एक बार जरूर मौका दें, ताकि बेस्ट कर पाए, ताकि उनको रिग्रेट ना इस बात का कि शायद मैं 2 CC डन कर लेता, शायद मैं इस बिजनेस को स्टार्ट कर लेता, शायद मेरी जिंदगी बदल सकती थी। और मैं इतना बता दूं, यहां से जो सीखेगा ना, डेफिनेटली जो इंसान यहाँ पे इस फील्ड के अंदर 1 साल भी रहेगा, आने वाले मैं बता दूं किसी फील्ड के अंदर चला जाना, वो कामयाब 101% है। पहली चीज तो इसी फील्ड के अंदर कामयाब है ही है, बट इस लेवल उसको पर्सनल डेवलपमेंट, इस लेवल को स्किल सीख जाएगा इंसान, कहीं पे मार नहीं खाने वाला, सच बताऊं तो। ठीक है, वरना किताबी कीड़ा बनने से कुछ भी नहीं होगा, मैं सच्चाई तो ये है। ठीक है, बाकी मेरे को ही काफी अच्छा लगा, जितने पेरेंट्स मेरे बोलने से मेरे सेशन में बैठे थे, जिन्होंने मेरे को सुना, काफी अच्छा लगा।